नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मेरे दोस्तों, ये वीडियो मैं उनके लिए है कि जो ईंटा मसाला का काम करना चाहते हैं, और मैं केरला में हूँ, जो केरला का क्या मतलब वो कितने घंटा काम करते हैं ईंटा मसाला में, और क्या मतलब उनको मिलता है, कितना मिलता है ईंटा मसाला में, देख सकते हैं पीछे पीछे सब ईंटा मसाला का ये सब काम हो रहा है। तो यहाँ पे ईंटा मसाला पे अगर केरला में काम करना चाहते हैं, मकान में काम करना चाहते हैं, मजदूर हैं, तो उनके लिए है ये वीडियो। और कितना मिलता है, कितना घंटा काम करना पड़ता है, वो सब जानकारी देने वाला हूँ। और यहाँ पे रूम कितना में मिलेगा, वो भी जानकारी आपको मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलिए तो वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, केरला में अगर आप आते हैं तो ईटा मसाला में काम करते हैं, या तमिलनाडु में आते हैं या केरला में आते हैं, दोनों जगह का वही प्राइज है, वही जानकारी है, एक ही जानकारी है। तो आते हैं केरला में तो आप, अभी मैं केरला में मौजूद हूँ, तो केरला में आते हैं तो ईटा मसाला का काम करते हैं। पीछे देख सकते हैं ईटा मसाला का काम हो रहा है, और वो पीछे हमारे पीछे गौर से देखिए, ईटा मसाला का काम मतलब चालू है, या अभी मजदूर आने वाले हैं। तो मैंने मजदूर से बात किया तो मजदूर बताए, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ईटा मसाला में आपको यहाँ पे केरला में आते हैं तो आपको 8 घंटा काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो 8 घंटा काम करते हैं तो 8 घंटा काम का आपको सैलरी जो मिलेगा, मतलब रोज का आपको 8 घंटा काम करते हैं तो एक दिन में आपको 650 रुपया आपको मिल जाएगा। और मतलब महीने में समझिए 18-20 हज़ार रुपया आपको आप कमा लीजिएगा अगर ईंटा मसाला में काम करते हैं तो। और यहाँ का आपको रूल ये है कि आपको रोज़ का रोज़ पैसा मिल जाएगा। आप प्रत्येक दिन काम करिएगा, मतलब 9 बजे आना पड़ेगा, और उसके बाद से 6 बजे जाना पड़ेगा, 8 घंटा काम करना पड़ेगा। तो 8 घंटा काम करते हैं तो आपको 650 रुपया आपको मिल जाएगा मजदूरी, ठीक है? और उसके बाद से यहाँ पे आप मतलब रहना चाहते हैं तो आपको कम से कम प्राइस में रूम का रेंट बता रहा हूँ, कम से कम रूम आपको मिलेगा 1500-1600 में, कम से कम 1500-1600 में रूम मिलेगा। यहाँ यहाँ का मतलब रूल बता रहा हूँ, उसके बाद से उसके ऊपर जितना का लीजिए वो अलग बात है। और आते हैं तो आप आईडी प्रूफ लेके आइएगा तो सही रहेगा रूम लेने में, ठीक है? और उसके बाद से मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप जैसे ईंटा मसाला में काम करना चाहते हैं तो जैसे केरला में आते हैं तो केरला चौक जो होता है, कहीं भी हर जगह चौक होता है, जो मेन मेन चौक होता है लेबर का, तो वहाँ पे अगर जाते हैं तो वहाँ पे आपको मतलब काम मिल जाएगा। वहाँ से आते हैं और वहाँ से बोला के ले जाते हैं काम के लिए। और आपको जैसे तमिलनाडु में आते हैं, ईरोड में आते हैं, तो ईरोड जंक्शन उतर के आप उसके बाद से वहाँ पे भी चौक पर जाते हैं सुबह 8:30 बजे, 8 बजे जाते हैं, तो आपको वहाँ से मजदूर खोजने आते हैं, मतलब मजदूर को लेने आते हैं, सेठ जितने भी सेठ हैं तो और ठेकेदार हैं, तो वहाँ पे अगर खड़े रहते हैं 8 बजे तो वहाँ पे आपको कोई भी आएगा ठेकेदार और बुला के ले जाएगा आपको काम कराने के लिए, ईंटा मसाला का काम कराने के लिए। तो यहाँ का दोस्तों, मैं यही मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ का आपको इस वीडियो में खास बताने को वजह यही है कि आपको अगर आते हैं तो रूम आपको कितने में मिलेगा, वो जानकारी मैंने दे दिया। और आपको मतलब कितना मतलब वो मिलेगा, मतलब मजदूरी कितना मिलेगा, वो जानकारी आपको देने का मतलब अर्थ यही है मुझे, कि आपको मजदूरी 650 रुपये मिलेगा, और उसके बाद से मजदूरी 650 रुपये मिलेगा, और रूम आपको 1500-1600 में मिलेगा। तो यहाँ पे ईंटा मसाला में काम करना चाहते हैं तो ज़रूर आइए। और उसके बाद से और मैं क्या बताऊँ, रूम के बारे में बता दिया, और आपको काम की जानकारी बता दिया, और आपको मतलब पैसे बता दिए, जो इतना मिलता है 8 घंटा का। तो दोस्तों, मैं रखना चाहता हूँ, और इस चैनल को फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो और कोई भी प्रॉब्लम हो, सुनता नहीं, काहे टेंशन करता रहा, मजदूर बोल रहा था,
मतलब लिखने के लिए, तो मैं केरला में रहता हूँ, मैं भी काम करता हूँ, तो उनका हिसाब किताब लिखता हूँ। तो मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों, तो सही जानकारी दे रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर जानकारी है, बिल्कुल सही जानकारी दे रहा हूँ कि अगर आप आते हैं इधर केरला के तरफ में, तो 650 रुपये आपको मजदूरी मिलेगा, उसमें कोई मतलब दिक्कतों की बात नहीं है। 650 आपको 8 घंटे का मिल जाएगा, एक दिन का 650, जब जब आप काम करिएगा 650 शाम को मिलता चला जाएगा, हर रोज़ आपको 650 मिल जाएगा। तो दोस्तों आप काम करना चाहते हैं तो आइए और काम करिए और अपना मतलब रहिए। और फिर से दोस्तों मैं आपसे मैं बोल देना चाहता हूँ, बीच में मिस्टेक हो गया था मजदूर की वजह से, तो और आके काम करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, उसको मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और उसके बाद से अब इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, सब कुछ मैंने बता दिया रूम का बारे में और काम के बारे में। तो दोस्तों मैं रखना चाहता हूँ, मैं विजय दास, हर हर महादेव, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।